हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं NSP स्कॉलरशिप का रिन्यूअल के बारे में कि 2024-25 में फॉर्म को रिन्यूअल आप कैसे कर पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लगेंगे, कौन कौन से छात्र जो है रिन्यूअल के लिए उनको दिया जाएगा कि वो अभी आप चेक कर सकते हो कि रिन्यूअल के लिए आपको दिया जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, अगर आपको रिन्यूअल दिया जा रहा है तो इस मीन्स क्लियर है, साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो प्रीवियस क्लैश का पैसा है वो भी आपको मिलता रहेगा धीरे धीरे करके, और रिन्यूअल का जो पैसा है वो भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट होने वाला है या हो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ स्टेटस बताऊंगा जिनका स्टेटस में अगर ऐसा चीज़ शो कर रहा है यस या नो, या जिनका हो चुका है, अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगा अभी, तो वो छात्र जो रिन्यूअल कर सकते हैं उनको प्रीवियस का पैसा मिलेगा, वो निश्चिंत हो जाए। इसका एक केस स्टडी मैं आपको समझाऊंगा कि 2018-19 में केस स्टडी हुआ था, ईशान उदय स्कॉलरशिप नाम का एक स्कीम है UGC में, उसमें क्या हुआ था, कुछ स्कैम्स हुआ था, स्कैम्स के कारण उसमें प्रोविजनली मेरिट लिस्ट को रिलीज किया गया था, लेकिन उसमें मल्टीपल नेम्स जो है एक ही स्टूडेंट के 3, 4, 5, 7 और भी ऐसे नेम्स देखने को मिलते जिनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, वास्तव में उनके नेम भी यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ईशान उदय ने क्या किया कि जब रिन्यूअल का फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो उन स्टूडेंट को रिन्यूअल करने का ऑप्शन दे दिया था जिनका जिनकी परसेंट अच्छी थी, जिनका प्रोविजनली सिलेक्ट हो चुका था, उन स्टूडेंट को यहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन दे दिया गया। अब भले ही पैसा नहीं मिला फ्रेश स्कॉलरशिप का, रिन्यूअल दे दिया गया, जिन स्टूडेंट ने रिन्यूअल का फॉर्म भरा है उस टाइम भरा था ऐसे, तो उन स्टूडेंट को जो फ्रेश का पैसा था वो धीरे धीरे वेरिफिकेशन होते होते सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी फ्रेश स्कॉलरशिप का पैसा आया है। जी हाँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी, अगर आप ईशान उदय रिन्यूअल है, ये UGC को रिन्यूअल है, या आप NSP को रिन्यूअल आप करते हैं, तो आपको जैसी बात है फ्रेश का जो पैसा होगा आपको जैसी बात है अक्टूबर नवंबर में भी आपको मिला होगा, ठीक है, दिसंबर में भी आपको पैसा मिलेगा फ्रेश का पैसा, ये आप सब जानते हैं, ये सब आप एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि आपका NSP क्या कर रही है कि इस बार आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन तो कर रही है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ कि अगर आपका असिस्टेंट शो कर रहा है तो डेफिनेटली आप रिन्यूअल कर सकते हो, आपको प्रीवियस का पैसा मिलेगा 101% आपको मिलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपकी मेरिट लिस्ट जो है NSP के द्वारा रिलीज हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि हमारी वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता हो किसकी स्कीम की मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, ठीक है, अगर आपके NSP के द्वारा मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है आपके डिपार्टमेंट की, अगर आपका उसमें नाम आ गया है, अगर आपका मेरिट लिस्ट के आगे यस शो कर रहा है, मेरिट लिस्ट यस शो कर रहा है, इस मीन्स ये है आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हो, आपको फ्रेश का ही पैसा मिलेगा, रिन्यूअल का ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया कि यार मैं को जब पैसा नहीं मिलेगा मैं रिन्यूअल भी नहीं करूँगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पैसा खो रहे हो, दोबारा इस टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये NSP के द्वारा हर साल होता है, रिन्यूअल का ऑप्शन देती है और फ्रेश का पैसा भी मिलता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर NSP के दूसरा केस ये कि NSP के द्वारा मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है लेकिन आपका नेम उस मेरिट लिस्ट में नहीं है, ठीक है, और मेरिट लिस्ट के आगे आपका शो कर रहा है ब्लैंक, समझिए मेरिट लिस्ट के आगे शो कर रहा है ब्लैंक, लेकिन मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुके हैं NSP के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन आपका शो कर रहा है ब्लैंक आपके डिपार्टमेंट का, तो यह है कि आपका आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, नो नहीं हुआ है, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट, कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन मैं इंतजार मत करिएगा उसके लिए कि आपको फटाफट NSP में आके फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई कर देना, क्योंकि आप सबको पता है स्कीम की जो डेट्स है वो ओपन हो चुकी है, आपके फॉर्म वेरिफिकेशन डेट ओपन हो चुकी है, आपको फॉर्म भरने के साथ भी और सारे काम भी करने पड़ेंगे, आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कॉलेज में उसको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद काफ़ी सारे वेरिफिकेशन होते हैं, जितना जल्दी सब काम करें उतना जल्दी वेरिफिकेशन हो, जल्दी आपका पैसा आएगा, बात समझ गए इतना, ठीक है, तो ये सारे डेट्स ओपन है, तो जितनी जल्दी हो सो जल्दी करिएगा ये चीज़, ठीक है। तीसरा केस समझा देता हूँ मैं, तीसरा केस यूट्यूब पर पहली बार किसी ने इतना अच्छा नहीं समझाया होगा, तीसरा केस क्या है, NSP के द्वारा आपका मेरिट लिस्ट मान लीजिए कि ब्लैंक है, अगर मेरिट लिस्ट आपका ब्लैंक है और आपकी मेरिट लिस्ट NSP के डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज नहीं हुई, जैसे अभी कुछ स्कीम की मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुई, जैसे UGC PG ईशान उदय, ठीक है, और कुछ PM यशस्वी और कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिनकी मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुई अभी तक, ठीक है, अभी NSP का मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुई उन डिपार्टमेंट की, अगर आपका यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है तो ये है कि आपको कुछ टाइम वेट करना है, उस टाइम वेट करने के बाद NSP की मेरिट लिस्ट आउट होते ही आपको अपना नेम चेक कर लेना है, चेक करते आपके स्टेटस बदल जाएगा यस में, और यस होते ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, तब तक आपको फ्रेश और रिन्यूअल कुछ भी अप्लाई करने को नहीं मिलेगा जब तक आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं होती NSP के द्वारा। अब बात करते हैं कि कब तक रिलीज हो जाए, क्या चीज़ है, देखो फॉर्म
कब तक रिलीज हो जाएगा। तो हमने क्या है कि एनएसपी डिपार्टमेंट से बात भी किया है, एनएसपी डिपार्टमेंट और जो यूजीसी डिपार्टमेंट और उन डिपार्टमेंट आरटीए के द्वारा जो खबर निकल के आई थी, हमने आरटीए भी लगाया था आपको पता है, तो उस सबसे खबर ये निकल के आई थी जब तक यहाँ पे हम फ्रेश स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट आउट नहीं करेंगे तब तक हम आपको रिन्यूअल का मौका नहीं देंगे, ठीक है, इन्होंने साफ कहा। क्योंकि जैसी बात है आपको जब का मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका रिन्यूअल कैसे आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है, तो पहले रिन्यूअल आपका फ्रेश का मेरिट लिस्ट आउट होगा उसके बाद रिन्यूअल का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके लिए आपको चेक करना क्या गया है, आपको लॉग इन करना है यहाँ पे लॉग अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में जाके यहाँ पे अपना OTR नंबर वेरिफिकेशन करके आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, OTR नंबर पासवर्ड देकर लॉग इन करना है कि आपको चेक करना है कि आपको दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक बंदे का फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाने वाला हूँ क्या है यहाँ पे। तो एक बंदे का मैंने स्टेटस लॉग इन किया है, जैसे कि देख सकते हो 2024-25 का रिन्यूअल के लिए दिखा दिया गया है, इसका मेरिट लिस्ट क्या यस है, भले इसको पैसा नहीं मिला है, पैसा मिल जाएगा, रिन्यूअल करोगे तो उसके साथ पैसा मिल जाएगा, एक साथ पैसा नहीं आएगा लेकिन वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में पैसा आता रहता है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई तो कर लोगे लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको अभी आपको प्रिपेयर करना है, अपने कॉलेज में जाके उन सबको निकलवा के आना है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सर है। उसमें से आता है डोमिशियल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, स्टूडेंट फोटोग्राफ चाहिए, आपका वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फीस रिसिप चाहिए आपका, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीज़ अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट तो माइनॉरिटी का वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो चाहिए इंपॉर्टेंट है कि एक आपको फॉर्म वो अपलोड करने के, जो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करना है, अगर आपको पता है इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इनकम सर्टिफिकेट आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो हो गया, जो आप NSP से डाउनलोड कर सकते हो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको फॉर्म भर के अपने कॉलेज में सिग्नेचर वगैरह सील लगाने के बाद इसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आय घोषणा पत्र, ये जो नया बनता है हर साल, ठीक है, तो ये भी एक बना के आपको रखना है, ऐसा नहीं पुराना चिपका दोगे तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है।